देखिए, हमने आपसे वादा किया था कि देश को निराशा से दूर करने वाली कहानियां, स्टोरीज भी अब हम आपको दिखाएंगे। मुश्किल हालात की घंटी बजाने वाली कहानियां, ऐसी कहानियां जो राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा जगाती हैं। अपनी इस सीरीज को हमने नाम दिया है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जहां तोड़ना है अर्थव्यवस्था को, सरकारी कुनीतियों को, आम जनता की हर समस्या को, ताकि राष्ट्र निर्माण की घंटी बजाओ की मुहिम साकार हो सके। और जब ऐसा होता नहीं, हम अपनी मुहिम को छोड़ने वाले नहीं। तो आज आपको दिखा रहे हैं एक छोटे से गांव के सरपंच की बड़ी कहानी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 170 किलोमीटर दूर सागर जिले के जैसी नगर ब्लॉक में आने वाला खैजरा माफी गांव, 3000 लोगों की आबादी वाले इस गांव में कुछ साल पहले तक सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी। लेकिन कृष्ण कुमार मिश्रा के रूप में सरपंच इस गांव को मिला तो गांव की तकदीर बदल गई। ऐसा क्या हुआ, आप जरा देखिए। सरपंच कृष्ण कुमार मिश्रा ने गांव में अपने पैसों से 3000 फीट लंबी पाइपलाइन बिछाई जिससे लोगों को पीने का साफ पानी मिल पाए। दो ट्रैक्टर अपने खर्च पर उपलब्ध कराए जिससे खेती में किसी तरह की दिक्कत ना हो किसानों को। गरीब किसानों को मुफ्त बीज खाद सरपंच कृष्ण कुमार मिश्रा अपनी तरफ से देते हैं। सरपंच की दो निजी फोर व्हीलर गाड़ियां गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने लाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। गांव की गरीब बेटियों की शादी सरपंच अपने पैसों से करवाते हैं। गांव में अनाज पिसवाने के लिए लोगों को दूर ना जाना पड़े तो अपने पैसों से गांव में आटा चक्की लगवा दी। तीर्थ और धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए एक बस और एक ट्रॉली समेत ट्रैक्टर गांव में मौजूद है। इतना ही नहीं, जरूरत पर पैसों से मदद भी सरपंच और उनका परिवार करता है। विकास और जनता को बुनियादी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी तो सरकार और प्रशासन की बनती है। फिर इतना सब कुछ खुद से क्यों और कैसे कर रहे हैं सरपंच कृष्ण कुमार मिश्रा, ये भी तो जानिए। कृष्ण कुमार छह भाई हैं, एक बीएसएफ से रिटायर्ड है, चार नौकरी करते हैं। पांचों भाई अपनी कमाई का आधा पैसा सरपंच भाई को देते हैं ताकि सरकारी मदद के लिए गांव मोहताज ना रहे और इनका गांव देश के लिए नई मिसाल बन सके। पांचवें नंबर की बात, हमने उनसे मिलते सहयोग की भावना की कि गांव का विकास किस तरह से होने चाहिए, उस पर हमने हमको ध्यान दिया, हमने हमको सहयोग किया। हमने अपने दोनों ने विचार करके ये व्यवस्थाएं बनाई, इसको मैंडेट के रूप में लाना है पंचायत को। सरपंच कृष्ण कुमार मिश्र की इसी सोच और नेकदिली ने गांव वालों के बीच में उन्हें सरकार से भी बड़ा बना दिया। लोग तो ये तक कहते हैं कि हमारा सरपंच हमारी सरकार। पैसा की है तो पैसा भी मिल जाता है, हर चीज की व्यवस्था, शराब भी बंद हो गई, ताश भी हो गई, जुआ भी होगा, सरपंच ही सरकार है हमारा। खुद की पूरी लागत तो नहीं लगाई, शासन ने कछु करो, कछु नहीं करो, सरकार ने कछु करो, कछु नहीं करो। ये है ABP News, आपको रखे आगे।